मय्यासक्त मना पार्थ मामेकं शरणं व्रज। आइए इस प्रसाद की कथा में से निकले और हम चलते हैं अद्भुत कथा महाराजा मनु की संतानों की। कल्पांत में एक नारायण उनसे ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, ब्रह्मा से मनु पैदा हुए। मन से मत्वा कर्माणि सेव्यते, ब्रह्मा के मन से मनु और उन्हीं के संकल्प से शत्रुपा और मनु शत्रुपा से जो संतानें कहलाई वो मनुष्य कहलाए। आइए कथा में आगे बढ़े। ये कहकर हम मनुष्य किस लिए कहलाए कि हम मन से पैदा हुए हैं। माता पिता के मन में कोई विचार आया था, उनमें कोई एक संयोग बना, उन्हीं के आद्र तत्व एकीकृत हुए, समन्वित हुए, एक युग्म बना, वो जुड़ गए दो तत्व और लीजिए देह बन गई। माता पिता के मन में कोई विचार आया संतान उत्पत्ति का, माता पिता के मन में विचार आया कि हम पैदा हो सकें, तो माता पिता ने संयोग किया, माता के रज और पिता के वीर्य का संयोग बना, संयोग से युग्म युगल ऐसे मिथुन मैथुन मिथुन हो गया और उसी से शरीर बन गया। महाराजा मनु की कन्याओं के क्रम में आकुति, प्रसूति, रुचि आदि देव होते और ये कर्दम की संतान। महाराजा कर्दम, महाराजा मनु की पुत्री देवहूति और उनका कर्दम से विवाह, नौ कन्याओं ने जन्म लिया। अधिक विस्तार नहीं करेंगे लेकिन कथा के आरंभ में इतना ही कहना चाहेंगे, इस सृष्टि में सबसे पहले कन्या आई है। इस सृष्टि के क्रम को ढूंढा गया कि इस सृष्टि के क्रम में ऋषि मुनियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति में कोई बुद्धिमान सा आदमी वहां अगर पहुंचे महामंत्र के जाप के लिए, उसको मानसिक अथवा तो शिथिल अथवा तो मंद स्वर अथवा तो विनय पूर्वक प्रणाम प्रदक्षिणा सुंदर वचन परिक्रमा काम बन जाएगा। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारे तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री चे द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंतेति कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री चे नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तयानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। सती, साध्वी, सुची, दिव्या च रम्या मनोहारिणी, त्वं वै कन्या महेश्वरी। पहले कौन आया इस धरती पर, सबसे पहले कौन आया ऋषियों के द्वारा? त्वं वै कन्या,
कन्या बनकर आ पाई पहले। इसे उसे श्री कन्या कहा, मनोहारिणी कहा, देव अज्ञानुसारणी, देव अज्ञा का अनुसरण करने वाली, देव अज्ञा के अनुसार वो आई पहले। जिसके लिए उपनिषदों का ऐसा कहना है, त्वम स्त्री त्वम पुमनांसि त्वम कुमार उत्वा कुमारी पुमनांसि त्वम कुमार त्वम 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 स्त्री। इसलिए ऋषियों की संतानों में इस धरती पर पहले कन्या का आगमन। अगर आप याद रख सकें तो स्कंद पुराण की एक बात आपको बताना चाहेंगे, हमारे पीछे पीछे बोलिए। ऐसा कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पापों का क्षरण होता है। हमारे साथ बोलिए, स्कंद पुराण में ऐसा आता है, बोलिए, दस पुत्रा समा कन्या। बड़ा सुंदर सूत्र है, बोलिए, दस पुत्रा समा कन्या, दस कन्या समोतरु। इसका अर्थ है कि दस बेटों के बराबर एक बेटी होती है। दस पुत्रा समा कन्या, दस कन्या समोतरु।